सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय हियर। तो पहले ही बता देता हूँ, आज मतलब ज्यादा करके फनी न्यूज है, ज्यादा मसालेदार न्यूज नहीं है, बट जो भी है इंटरेस्टिंग न्यूज है वो इंपॉर्टेंट है। एंड यस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देख सकते हैं 9 लाख सब्सक्राइबर्स होने ही वाले। एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, नहीं तो फिर आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा मेरे वीडियोस का। तो सबसे पहले बात कर लेते कैरी मिनाटी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा, रिसेंटली फ्री फायर बैन हो गया था, तो उसके ऊपर कैरी मिनाटी भी रिएक्ट करे काइंड ऑफ, वो खुश नहीं थे। मतलब उनका जो इनिशियल रिएक्शन था वो थोड़ा सा मतलब खुश नहीं थे वो। आप देखिए फ्री फायर बैन के पर कैरी मिनाटी का क्या रिएक्शन था। फ्री फायर भाई बैन हो गई। हाँ, बोल तो रहे होगी बैन। अरे जैसे पबजी कैसे बाद में अनबैन आ जाएगी, वापस 3-4 साल में आ जाएगी। अब तो आदत सी है लोगों को। अरे ये क्या मतलब है, जो चीज फटे उसको बैन कर दो। प्रोपनेट भी बैन होने वाली है वैसे। ये क्या है? अच्छा तो बेसिकली ठीक है, देख लूंगा मैं, देख लूंगा पॉपुलर वो बैन। ये वैसे ही बिल्कुल वो ईपी की तरह बोल, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। Don't worry my friend. तो फटो, लेकिन कम फटो। अरे यार, लेकिन रीजन क्या है बैन हो गया? सिक्योरिटी के लिए चाइनीज। अच्छा सही, पबजी रीजन। पबजी रीजन, ओके भाई, फिर तो भाई अंडरस्टैंडेबल है यार। हाँ मतलब सिक्योरिटी अगर कुछ ज्यादा वो ठीक करके अगर वो वापस करते हैं तो सही है। हाँ ऐसे ही तो होगा वापस, ऐसे ही तो वापस आ जाएगी वो। अब अगला कौन है? फोर्टनाइट। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा, फ्री फायर जो है आज आएगा वापस, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे पबजी आया था वैसे ही फ्री फायर भी वापस तो आ जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा गेम इतना आसानी से हार तो नहीं मानेगी मुझे लगता है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, मुंबई कर निखिल के बारे में। तो मुंबई कर निखिल अपने हेटर्स को काइंड ऑफ अपने व्लॉग में छोटा सा पोक किए, वो वाला क्लिप आप देखिए। कुछ लोग अभी भी जल रही है, बट उन्होंने एड्रेस नहीं दिया, बनो कैसे भेजू मैं उन लोगों को। तो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो है अपने ओपिनियंस दे के जो है पैसे कमा सकते हो? नहीं ना, एकदम इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन ये पॉसिबल है। तो गाइस, अभी मैं बात करने वाला हूँ एक ऐप के बारे में जहाँ पर आप जो है अपने ओपिनियंस दे के पैसे कमा सकते हो। उस ऐप का नाम है प्रोबो ऐप। ये एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ आप ट्रेड कर सकते हो अपने ओपिनियंस पर। यहाँ सिर्फ सिंपल यस या नो में आंसर करना होता है। इस ऐप में बहुत वेराइटीज है टॉपिक की, जैसे पॉलिटिक्स, क्रिप्टो, करंट अफेयर्स, मूवीज, है ना बढ़िया बात। तो अभी डाउनलोड करो प्रोबो ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से और आपको मिलेगा 50 रुपीज इंस्टेंटली। ये कैसे यूज करना है आप स्क्रीन पर देख सकते हो अभी। यहाँ एक क्वेश्चन है कि क्या बेकाबू सॉन्ग 18 फरवरी तक 25 मिलियन व्यूज क्रॉस कर पाएगा? आपको यस और नो में आंसर करना है और ट्रेड करना है अपने पैसे। अगर आपका ओपिनियन सही होता है तो आपका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। बस इतना ही नहीं, अगर आप किसी क्वेश्चन को लेकर काफी श्योर हो तो आप क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हो और ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो अब ज्ञान बांटना बंद कर दो भाई लोग और जाके अपने ओपिनियंस पर पैसे कमाओ। और हाँ मेरे यूट्यूबर दोस्तों, तुम्हारी वीडियो पे भी बैट लगाई जाएगी, तो ध्यान रखना तुम भी। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, अभियान न्यू के बारे में। तो अभियान न्यू जो है एक रील्स पोस्ट किए थे अपने इंस्टाग्राम पर, जहां पर वो बेसिकली बात कर रहे थे हेटर्स के बारे में। तो उसको जो है सौरभ जोशी व्लॉग्स ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया था, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो अभियान न्यू के वो रील से मैं छोटा सा पार्ट आपको दिखाया था। लव योर हेटर्स, आई टेल यू, जैसे ही आप थोड़ा अच्छा काम करने लगेंगे, थोड़ी सी प्रोग्रेस करने लगेंगे, आप चाहे या ना चाहे, कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होने वाली। वो पूरी कोशिश करेंगे आपको नीचे खींचने की, आपको गलत साबित करने की, आपके पूरे काम में इतनी सी गलती निकाल कर उसे ही हाईलाइट करने की। इसे आप बदल नहीं सकते और बदलने की जरूरत भी नहीं, बिकॉज यू शुड लव योर हेटर्स, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि वो आपकी जितनी बुराई कर रहे हैं उतना ही आपके सपोर्टर्स को एनकरेज कर रहे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपसे प्यार करने के लिए। सोचिए ना, एक गजब लेवल की डेडिकेशन लगती है खुद को इंप्रूव करने के बजाय दूसरों के काम में टांग अड़ाने के लिए। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करिए थाराभाई जोगिंदर के बारे में। तो यहाँ पर थाराभाई जोगिंदर को जो किसी ने बहुत पुराना एक क्लिप सेंड किया था, जहाँ पर बेसिकली रितेश देशमुख, साजिद खान, शाहरुख खान, ये सब जो है एक नाम जोगिंदर के ऊपर रिएक्ट किए थे, वो वाला क्लिप मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पता नहीं कॉपीराइट का भी इशू हो सकता है शायद से, अगर कॉपीराइट का इशू हो जाता है देन फिर वो आपको क्लिप देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन थाराभाई जोगिंदर का वो इंस्टाग्राम पोस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जोगिंदर जोगिंदर अच्छा, मैंने लिखा है कोई भी नहीं है, यूनिक है, इसके जैसे कोई नहीं, ये रेस में ही नहीं। तो उसके ऊपर थाराभाई जोगिंदर लिखे, यो जोगिंदर, अनुष्का शर्मा, शाहरुख खान, रितेश देशमुख, ये वीडियो कब और कहाँ बनी इसके बारे में तो पता नहीं, एक्चुअली बहुत से लोगों ने मेरे को टैग किया हुआ था, बट जो भी था वो अच्छा लगा। तो आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जोगिंदर के ऊपर रिएक्ट किया गया, ना कि थाराभाई जोगिंदर के ऊपर। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते चपाती गेमर के बारे में। यहाँ पर चपाती गेमर का जो है कितना रुपया का चालान कट गया, और वो भी फेक चालान, कोई और कंट्री से उनको आया है। यस, जिस कंट्री में वो गए भी नहीं है वहां से जो है उनको चालान आ गया, ओवर स्पीडिंग के लिए जो है उनको फाइन आ गया, वो भी पोस्ट ऑफिस। फिलहाल तो अभी ये मैटर उनका सॉल्व हो चुका, उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन था आप देखिए। गाइस, आज मौसम देख रहे हो क्या, व्लॉगिंग वाला मौसम है एकदम जबरदस्त। तो यही मौसम देख के मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गया, नहाया धोया, नाश्ता पानी किया, तैयार हुआ, बस बाहर जाने के लिए रेडी हुआ, तो मैंने देखा कि पोस्ट में एक लेटर आ चुका है, और लेटर में लिखा है कि मैं
तीन महीने पहले स्कॉटलैंड गया था और वहां पर मैंने गाड़ी चलाई, स्पीडिंग की और उसका मेरे को 90 pound फाइन लगा। तो सुबह से मैं 3 घंटे से मैं कॉल पे लगा हूं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मामू मैं तीन महीने पहले मैं स्कॉटलैंड नहीं गया, मैं यहां पर लाइव था यूट्यूब पे हीरो प्राइम की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो यार बहुत टाइम लगा, तो यह सारे झंझट मेरे को भेजने पड़े कि भाई एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं नहीं गया। मैंने उनको बोला कि भाई आपको कंटेंट चाहिए होता है, अगर मैं स्कॉटलैंड जाऊंगा तो मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, समय रायना के बारे में। तो यहाँ पर समय रायना के साथ जो है एक बहुत फनी इंसिडेंट हो गया। वो जो है बॉडी बिल्ड करना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा उल्टा होके रखा है, तो वो थोड़ा सा अभी आप देखिए आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यार मैंने एक नया जिम ट्रेनर ढूंढा था, ठीक है, प्रणीत तो था ही, मतलब प्रणीत के साथ तो करना ही अपने को कॉन्टेंट, पर जो असली जो बॉडी बिल्डिंग करनी है उसके लिए मैंने एक जिम ट्रेनर ढूंढा था नया वाला। उसने मुझे बोला भाई अपनी जो है फोटोज भेजो मेरे को विथ मिनिमम क्लोथ्स, उसको देखना था कि क्या है मेरा बॉडी स्ट्रक्चर, वो ऐसे कस्टमाइज करता है तुम्हारे लिए वर्कआउट। भाई को मैंने ऐसे फोटो भेजी मतलब चड्डी पहन के सिर्फ, उसका रिप्लाई नहीं आया यार 3 दिन हो गए अब। यार अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि 3 दिन से रिप्लाई नहीं आया उसका, यार उसने मतलब ब्लॉक मार दिया मेरे को शायद से, उसको एक ही टिक जा रहा है यार। अगर तू देख रहा है भाई रिप्लाई कर दे यार, या फोटो डिलीट कर दे भाई प्लीज। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान का जो 10 लाख रुपए वाला इवेंट था यूट्यूबर्स चैलेंज, उसका जो फिनाले वीडियो कब आ रहा है उसके बारे में किसी ने पूछा था उनसे, वो क्यू एंड ए कर रहे थे बेसिकली फुकरा इंसान। तो उसका फुकरा इंसान रिप्लाई दिए फरवरी एंड, मतलब इस महीने के एंड में आ जाएगा। फिर किसी ने उनसे पूछा था इज देयर एनी चांस दैट यू विल स्टार्ट व्लॉगिंग इन फ्यूचर, तो उसका फुकरा इंसान रिप्लाई दिए 1001%, तो इसका मतलब बहुत जल्द फुकरा इंसान जो है व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला। फिर किसी ने पूछा अपने नेक्स्ट वीडियो का हिंट दे दो, तो उसका फुकरा इंसान रिप्लाई दिया टर्निंग 1 rupees into 1024 hours। तो ये देखकर तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेट्स सी उनका नेक्स्ट वीडियो यही होता है कि नहीं। तो चलिए अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना LLB का जो है पार्ट 2 कब रिलीज होगा उसके बारे में वो बता दिए। यस वो बताए 22 February 2021 अमित भड़ाना LLB पार्ट 2, तो मतलब 22 February 7:07 PM शाम को रिलीज हो जाएगा उनका सेकंड पार्ट। और यहाँ पर न्यू वीडियो का बात होगी तो बात करते हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल का न्यू वीडियो का जो अभी तक शूट ही खत्म नहीं हुआ। यस इसके बारे में वो लिखे थे ये शूट काहे खत्म नहीं होता बे, तो इसका मतलब हर्ष बेनीवाल का न्यू वीडियो आने में तो अभी और टाइम लगेगा, मतलब कि अभी और 2-3 हफ्ते लग सकते हैं उनका न्यू वीडियो आने में, क्योंकि शूट खत्म होने के बाद एडिटिंग होगा एंड उसके बाद जो है वो चेक करेंगे एंड देन फिर वो रिलीज करते हैं। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे, अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अभी जाके डाउनलोड करें प्रोबो ऐप को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से और आपको मिलेगा 50 rupees instantly।